जय हिंद। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू में वैकेंसी निकली हुई है, और ये वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट की वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी सैलरी मिलेगी, पूरी जानकारी इसमें मिलने वाली है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो वैकेंसी निकली हुई है इसमें ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो डेट रहेगी, 1 दिसंबर से इसके फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं, 21 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। बता दें, इसका जो फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑनलाइन फीस लगेगी 100 रुपए जनरल और ओबीसी की, SC ST EWS PWD के लिए 600 रुपए लगेगी। बता दें, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके थ्रू आप ऑनलाइन फॉर्म भर लेंगे। एडमिट कार्ड आपको बाद में इसमें नोटिफिकेशन आएगा एडमिट कार्ड का, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पहले तो इसमें मैं बता दूं कितनी वैकेंसी है, तो टोटल वैकेंसी जो है उसमें अलग अलग कैटेगरी की डिवाइड की गई है। सबसे पहले तो मैं वैकेंसी डिटेल दे देता हूं। इसमें डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन, तो क्या है पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है उसमें सैलरी रहेगी 19,900 रुपए से 63,200 रुपए सैलरी रहेगी, पे लेवल 2 की मिलेगी 7 CPC के अनुसार। 18 से 27 साल जनरल जनरल कैंडिडेट होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 19 वैकेंसी हैं, SC के लिए 8 वैकेंसी हैं, ST के लिए 4 वैकेंसी हैं, OBC के लिए 14 वैकेंसी हैं, EWS के लिए 5 वैकेंसी हैं। टोटल 50 वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की हैं। बता दें, PWD की 2 वैकेंसी हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 5 वैकेंसी हैं और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 3 वैकेंसी हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, टाइपिंग टेस्ट होगा 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या फिर हिंदी के लिए 35 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर में टाइपिंग होगी। दूसरी जो पोस्ट निकली है उसके बारे में बता दें, दूसरी जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जिसमें कि 25,500 से 81,100 रुपए सैलरी रहेगी। 18 से 30 वर्ष के जनरल कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बता दें, 23 टोटल वैकेंसी में 52 वैकेंसी हैं, और इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 5 वैकेंसी दी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 2 वैकेंसी दी है। 12th पास होना जरूरी है, टाइपिंग टेस्ट इसमें भी होगा, और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होना चाहिए, शॉर्ट हैंड टाइपिंग 80 वर्ड पर मिनट डिस्प्रेशन होना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं, इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार। तो एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और बता दें PWD कैंडिडेट को 10 साल, SC OBC है तो 13 साल, और ST SC ST है तो 15 साल। एक्स सर्विसमैन को एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगी, पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो भी एक्स सर्विसमैन आर्मी एयरफोर्स नेवी के हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपको टाइपिंग आनी चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई करें, नहीं तो आपको टाइपिंग स्पीड में आप फेल हो जाएंगे। 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में है, या फिर हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट है, तो टाइपिंग टेस्ट बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।